नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम चंद्रयान मिशन के बारे में बात करेंगे। पहले हम दो एपिसोड ऑलरेडी कर चुके हैं, आज थर्ड एपिसोड करने जा रहे हैं। तो आज खास करके हम चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट के बारे में बात करेंगे, कुछ विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो हमारे साथ में मौजूद है रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री साकेत सिंह कौरव सर। तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कुछ जानना चाहेंगे हम चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट के बारे में। सर, पहले बताइए, चंद्रयान 3 अभी जो चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है, किस साइट में उसको लैंडिंग करना है, और ये जो साइट को लैंडिंग करना है तो किस किस जानकारी के लिए इसरो ने ये साइट को चुना, इसके बारे में कुछ जानकारी आप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद एनवी साहू जी। और जो हमारा ये प्रयास है कि हम रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में, जब तक कि चंद्रयान 3 का लैंडर साउथ पोल पे उतर नहीं जाता है, तब तक हमारे पब्लिक के साथ, हमारी ऑडियंस के साथ, हमारे विजिटर्स के साथ और हमारे स्कूल के बच्चों के साथ हम संवाद स्थापित करते रहें, और ये क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये हमारी टीम की जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, इसी डायरेक्शन में लोगों में रुचि पैदा करने का प्रयास है। तो जैसे कि आपने कहा कि साउथ पोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आप जानते हैं, अगर जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे बैकग्राउंड में आप एक बहुत बड़ा एक एनिमेटेड वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें लूनर के साउथ पोल के सरफेस को बहुत क्लोजअप से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देखेंगे हमारे इस संवाद के दौरान कि साउथ पोल पे हम जब करीब से जा रहे हैं तो जो क्रेटर्स हैं, और जो साउथ पोल के नज़दीक पहुँचने के पहले से ही वहाँ पर क्रेटर्स में आपको बहुत डार्क शैडो दिखना शुरू हो जाती है, यानी कि ये बात है कि साउथ पोल के करीब पहुँचते पहुँचते बहुत सारा, इतना परसेंटेज ऑफ जो जियोग्राफिकल लोकेशन है साउथ पोल की, वहाँ पे सनलाइट पहुँच ही नहीं पाती। इसी एनिमेशन के थोड़े एंड में आप देख पाएंगे कि क्रेटर की एज से एक क्लोजअप शॉट दिखाया गया है एनिमेटेड तरीके से, दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बाय दी नासा। तो उस बेसिस पे उन्हें रिक्रिएट किया है, और वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कितने बड़े क्रेटर्स हैं जिसमें कितना बड़ा पोर्शन जो है हमेशा डार्कनेस में रहता है। तो ये डार्कनेस का हम चित्र क्यों कर रहे हैं, इवन इस एनिमेशन में भी वो जो वाटर फुटप्रिंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ आइस दिखाए गए हुए हैं। तो साउथ पोल हम सबके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक तो उसकी मून की जो मिनरोलॉजी है उसकी स्टडी करने में आसानी होगी, दूसरा साउथ पोल पे जो वाटर सिग्नेचर है, पानी को आइस के फॉर्म में, जो हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर से हम रोवर के साथ एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रेजेंस तो हमारे चंद्रयान 1 ने बताया, उसके ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट M3 जो था, और उसके बाकी भी जो ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स थे, कलेक्टिवली एक रिसर्च भी पब्लिश हुई कि चंद्रयान 1 की रिसर्च ने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट किया कि हमारे पोलर रीजन जो है लूनर सरफेस में, साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल है, जहाँ पर आइस है। अब साउथ पोल हमारे इंपॉर्टेंट है फर्दर लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए, स्पेस में हमें आगे जाना है। तो अगर आप देखेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको लगता है कि साउथ पोल बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब आप देखेंगे ये जो हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर है, ये भी एग्जैक्टली साउथ पोल पे नहीं जा रहा है। इस पीछे के एनिमेशन में अगर हमारी ऑडियंस अभी देख पा रही होगी, तो बीच में एक जगह हमने साउथ पोल को पिन पॉइंट करने वाला एनिमेटेड वीडियो भी दिखाया है कि एग्जैक्टली जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ कि एग्जैक्टली वो साउथ पोल है कहाँ। लेकिन कोई भी स्पेस एजेंसी एग्जैक्टली साउथ पोल पे जाने से पहले बहुत तैयारी करना चाहेगी, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट बहुत लगभग निग्लिजिबल है। अगर वो एक्सपोज नहीं है सोलर उसके पैनल्स, तो आप सफिशिएंट एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट नहीं कर सकते, सोलर एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इसलिए हम थोड़े से साउथ पोल से थोड़ा सा दूर हैं, टिप ऑफ द साउथ पोल से। हमारा जो चंद्रयान 3 है ये लगभग 69 डिग्री साउथ और 32 डिग्री ईस्ट की तरफ लैंड होने वाला है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना है कि 23 अगस्त को वो क्या करने वाले हैं, कि हम जब उतरेंगे उसके बाद की जो नेक्स्ट 14 अर्थ डेज होंगे वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में विक्रम लैंडर और उसके बाद उसकी जो बैली में जो रोवर है, ये दोनों मिल के कमाल आपस में एक दूसरे की सेल्फी तो लेंगे ही, क्योंकि सेल्फी की हम बात करते हैं, और सेल्फी के लिए चंद्रयान 3 के लिए आपको रीजनल साइंस सेंटर भोपाल भी आना होगा। हमने एक स्केल डाउन मॉडल बनाया है और इसके साथ एक इन्फोग्राफिक डिस्प्ले है ताकि आप अधिक से अधिक जान पाएं। तो हम कुछ स्पेशल गाइडेड टूर भी चला रहे हैं, तो आप आइए और जानिए और एक्सप्लोर करिए। सर, आपने जो साउथ पोल के बारे में बात किया, तो 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में लगभग लैंडिंग करने वाला है,
तो इससे पहले, इंडिया से पहले कुछ कंट्री ने भी उसका उनका मिशन को भी लैंडिंग किया, लैंडर को भी लैंडिंग किया, रशिया ने लैंडिंग किया, यूएसए ने लैंडिंग किया, चाइना भी लैंडिंग किया, लेकिन उनका जो लैंडिंग है इक्वेटर के पास में है। तो इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 के माध्यम से साउथ पोल से थोड़ा सा दूर 70 डिग्री लैटिट्यूड में लैंडिंग करने वाला है। तो इसमें आपने बताया कि बड़े बड़े क्रेटर्स होते हैं, डीप क्रेटर्स होते हैं, उनका बटम तक सनलाइट नहीं जा सकता है, तो बहुत ही लो टेम्परेचर उस रीजन में प्रिवेलिंग है। तो आप थोड़ा सा बताने के लिए कोशिश कीजिए कि ये जो जानकारी हम हासिल करना है डीप साउथ पोल में लैंडिंग करने से, तो लैंडर में भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, 4 पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रोवर में 2 पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इस पेलोड इंस्ट्रूमेंट से माध्यम से क्या इम्पोर्टेंट जानकारी हम हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं साउथ पोल में, पेलोड के बारे में थोड़ा सा विस्तृत से बताइए। जी हाँ, मैं बहुत आम भाषा में अगर बताने का प्रयास करूंगा, जैसे कि हमारे साइंस सेंटर्स में हमारा हमेशा ये प्रयास होता है कि लोगों को हम कनेक्ट कैसे कर पाएँ, जो हमारे लैंडर में एंड रोवर में जो ऑनबोर्ड पेलोड्स हैं कलेक्टिवली उनका काम क्या है। हम एक एक इंडिविजुअल के बारे में बात करने की बजाय कलेक्टिव एफर्ट्स पे बात करते हैं कि लूनर मिनरोलॉजी को समझना, यानी किस तरीके की सरफेस फीचर्स है और उसका, जैसे हम उस पर की जो धूल होती है ऊपर की सरफेस की, जो मिट्टी होती है उसको रिगोलित कहा जाता है लूनर एक्सप्लोरेशन की फील्ड में, तो उसको बेहतर समझना, क्योंकि और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट्स को भी बेहतर समझना अभी बहुत ज़रूरी है आने वाली स्पेस मिशंस के लिए भी, क्योंकि ये डर होता है हमेशा कि जो लोकल करंट है ऑन द सरफेस क्या वो ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रभावित कर सकता है क्या, अगर शॉर्ट करता है सिग्नल उसे कैसे बचा जाएगा, उसको भी जानने में बहुत सफलता मिलेगी। और जिस तरीके की ये डस्ट जब लैंडिंग रॉकेट्स उसको नीचे की तरफ इजेक्ट करते हैं मटेरियल, तो उससे जो आसपास का पूरा स्पेस में आप देखेंगे धूल ऊपर उड़ने लगती है ना। अब मून की ग्रेविटी वैसे भी 1/6 है अर्थ के कंपैरिजन में, तो थोड़ी सी भी हलचल होने से उसका जो एक्चुअल में जो तूफान जैसी सिचुएशन वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, एग्रीवेट हो जाती है। उस कंडीशन में अगर वो पूरा का पूरा डस्ट सेटल हमारे लैंडर के ऊपर आता है तो क्या वो सनलाइट से जो बनने वाले इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित करता है, उसको भी एक समझने का एक्सपीरियंस होगा। जितना ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है पूरी दुनिया के सामने कि हमारे पास वो स्पेस इंजीनियरिंग का कामयाब टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ में साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव भी बड़े कमाल के हैं कि हम लूनर सीस्मिक एक्टिविटी, वो भी बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हमारा रोवर भी उसमें हेल्प करने वाला है। इवन ये रोवर के पार्ट की अगर आप बात करें तो एक रेट्रो रिफ्लेक्टर भी लेके जा रहे हैं ताकि लूनर रेंजिंग एक्सपेरिमेंट जो नासा का है, नासा ने उस इंस्ट्रूमेंट को भी दिया है ताकि बेहतर आपस में अर्थ और मून की डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाए, तो उस डायरेक्शन में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो लूनर मिनरोलॉजी की बात हो, जो सरफेस फीचर्स की बात हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट को समझना हो और सीस्मिक एक्टिविटी, साथ ही साथ में लैंडर में ये भी प्रयास है कि थोड़ा सा ड्रिल किया जाए, अगर सब कुछ सही होता है तो ऊपर की सरफेस को इंटरनल जो फीचर्स हैं क्रॉस उनको भी थोड़ा करीब से समझने का कोशिश है। अब ये पूरे काम को अंजाम देते समय ऑर्बिट में जो हमारा चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल की बात अकेला नहीं कर रहा हूँ, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर एकदम काम कर रहा है वो हमारे पूरे साइंटिफिक डेटा इन्फॉर्मेशन को वाया चंद्रयान 2 रिले करेगा हमारे। और इसके लिए आपको शायद बताने में इंटरेस्ट भी होगा हमारी ऑडियंस को कि इसरो का एक बहुत बड़ा डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना है जो बेंगलुरु से थोड़ा से दूर बायलेलू में, वहाँ पे ये 32 मीटर क्लास एंटीना हमारे इस डीप स्पेस नेटवर्क में मून के थ्रू हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुल मिला के प्लानिटरी साइंस में साउथ पोल को बेहतर समझना, मून की बाहरी सरफेस को समझना, सिस्मिक एक्टिविटी को समझना और फिर साथ ही साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, मिनरोलॉजी की बात करें, मिनरोलॉजी यानी कि उसकी सरफेस बनी कैसे है, उसकी सरफेस, अब लोगों में बड़ा इंटरेस्ट जागता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, करंटली कोई एक्टिव वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हमने कभी कई मिलियन ईयर्स से नहीं देखी है। तो अब ये है कि जो भी सबूत वहाँ पे छोड़े गए हैं जियोलॉजिकल, या जो नेचर ने यूनिवर्स में जो कि एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के कारण इजेक्टा का मटेरियल पहुँचा है, या जो आइस आई है, अब वो आइस भी कहाँ से आई है या वो उसका सोर्स क्या है, तो ये समझ लीजिए कि एक पूरा का पूरा ये बहुत ही लाखों लाखों सालों से प्रिजर्व रखा हुआ है, दीज आर नॉन कंटामिनेटेड सरफेस फीचर्स हैं जिनको हम बेहतर समझ सकते हैं। तो हम जब पहुंच रहे हैं तो हम उन चीज़ों को देख पाएंगे जो लाखों करोड़ों साल पहले उसके फीचर्स में अगर बदलाव हुए हैं
बाहर की तरफ से एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, मे बी एस्ट्रॉइड, मे बी कॉमेट है, तो जो आज भी बरकरार होंगे। तो हमारी जो लूनर साइंस को बेहतर समझने के लिए साउथ पोल पे जाना जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रयान 3 के एफर्ट्स के बाद नासा भी आने वाले 1-2 सालों में अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के थ्रू, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के माध्यम से वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को उतारने वाला है। तो फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए साउथ पोल बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है। इसलिए लोगों में आप देख रहे हैं कि जो हमारी श्रृंखला वीडियो की चल रही है, इस सीरीज़ में भी लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोगों का रिव्यूज़ हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों में बहुत इंटरेस्ट है, और यही हमारा एक अपॉर्चुनिटी भी है कि ऐसे एलिमेंट को हम हमारे साइंस सेंटर में इस्तेमाल करते हुए लोगों में कैसे इंटरेस्ट पैदा हो सके और उनकी क्वेरीज को हम बेहतर आंसर कर सकें। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तो लैंडर और रोवर का जो लाइफ स्पैन है, एक मुंडे लाइफ स्पैन है, मतलब 14 अर्थ डेज लाइफ स्पैन है, तो इतना संक्षिप्त लाइफ स्पैन क्यों है, तो इतना संक्षिप्त ब्रीफ लाइफ स्पैन क्यों है, इसको हम एक्सटेंड पीरियड तक इसको हम चालू नहीं कर सकते, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। लाइफ स्पैन बहुत ही कम है इसका, 14 डेज लाइफ स्पैन बहुत ही कम है। देखिए, इसके लिए सबसे उपयुक्त तो इसरो बेहतर आंसर दे सकता है, लेकिन साइंस सेंटर में एक साइंस एंथुजियास्ट के रूप में, और हम जितना बेहतर समझते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी को, उसके पीछे का कारण यह है कि ये जो मिशन है पूरा का पूरा, ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हम पहले वो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ अचीव कर लें कि हम साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली कराते हुए हमारे स्पेस क्राफ्ट को जो साइंटिफिक आउटकम्स हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बेसिस पे जो हमारे आउटकम होंगे उनको अचीव कर सकें। अब बात यह है कि ये आप किस सोर्सेस की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, सन बिना हम अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर हम स्पेस इंजीनियरिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हमारे स्पेस में सन हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जो सोलर पैनल जो हैं वो सनलाइट के बिना काम नहीं करेंगे, बैटरी बैकअप भी कितनी देर तक होगा, एंड यू नीड टू कम्युनिकेट विद द अर्थ इन दैट सिनेरियो। जो लाइट आने वाली है सन की, अब आपने 14 दिन का बात बोला है अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ के 14 डेज और मून का 1 सनी डे इज ऑलमोस्ट सेम, तो इसका मतलब है कि जैसे ये रात शुरू होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बनाना मुश्किल होगा। अब दूसरी बात, अकेला ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होंगी, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर डे टाइम में बहुत ज़्यादा होता है ना, उसको बहुत बेहतर मटेरियल साइंस की हेल्प से हम अंदर के ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। डे टाइम में जो सरफेस टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें पानी भी बॉइल कर सकता है जी ऑटोमेटिकली, इफ़ यू कैन पुट अप योर वाटर। अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में वो टेम्परेचर काम करेगा, लेकिन रात जैसी शुरू होती है वो माइनस में भी आपका -130 डिग्री सेल्सियस उससे भी 100 से -100 से भी ऊपर चला जाता है। तो आप देखिए, अब मैं जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि अब हम एग्जैक्ट नंबर नहीं लेते हैं, +100 से -100 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, है ना, एग्जैक्ट नंबर की बात ना, तो 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वेरिएशन है हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक, तो अब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा, एक्सट्रीम वेरिएशन होगा। ये ग्रेडियंट टेम्परेचर का जो है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए भी खतरनाक है, और उसी के साथ साथ में वो 14 डे अगर सर्वाइव कर जाता है, जो कि अभी हम नहीं जानते, इसरो विल डेफिनेटली लेट अस नो, तो हो सकता है कि वो 14 डेज अगर सर्वाइव करता है तो आगे के काम करें, लेकिन मेनली इसको डिज़ाइन किया गया है 14 अर्थ डेज के मिशन के लिए, ताकि जो भी साइंटिफिक आउटकम्स हैं वो अचीव कर लिए ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद अगर सर्वाइव कर जाता है दैट वुड बी एडिशनल बोनांजा, बट दैट वुड बी एक्सप्लेन बाय द इसरो इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट कि वो इस पीरियड से अगर सर्वाइव करता है तो क्या हम रिकनेक्ट कर पाएंगे। तो आने वाले एपिसोड में हम प्रपल्सन मॉडल के बारे में बात करेंगे, किस तरह से पृथ्वी के ऑर्बिट से चंद्रमा के ऑर्बिट तक प्रपल्सन मॉडल हमें ले सकता है, उसमें क्या साइंटिफिक पेलोड है, इसका बारे में प्रपल्सन मॉडल के बारे में बात करेंगे, इसका पर हम थ्रस्ट देंगे। और अगर आपके मन में कुछ इन सब बातों से जुड़े सवाल हैं, क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप बिना संकोच के हमारे इस वीडियो के कमेंट में, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर इंस्टा पे आप हमें देख रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। आप आपका नाम, किस क्लास में पढ़ते हैं या कहाँ से हैं, और आपका प्रश्न, वी विल ट्राई टू टेक योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, आप सबकी इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की टीम की तरफ से
जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की एक यूनिट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू। आप सभी को हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आने वाले एपिसोड में हमारे साथ में रहिएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में हम बात करेंगे और कुछ रोचक जानकारी तथ्य लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।